दिल्ली के अंदर लार्ज स्केल पे जॉब्स क्रिएट करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को इनक्रेज करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल का गठन किया है। ये जैसा हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, दिल्ली के अंदर बिज़नेस को बिज़नेस करना आसान करेंगे, उस दिशा में ये अहम कदम है। तो नए जॉब्स कैसे क्रिएट किए जाएं और नया बिज़नेस कैसे सेटअप किया जाए, उसमें जो जो ज़रूरतें होती हैं, जो जो दिक्कतें आती हैं दोनों चीज़ों के, कि जैसे जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिससे कि बिज़नेस को इनक्रेज किया जा सके, फाइनेंस कहाँ से आएगा, एक्सेस टू कैपिटल, और इसमें स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, बेसिकली एम्फेसिस तो है कि छोटे छोटे बिजनेसेस को लार्ज स्केल पे कैसे लोगों को करने के लिए प्रेरित किया जाए, इसको करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। और इस काउंसिल में ऐसे लोगों को रखने की कोशिश की गई है जो जिन्होंने, दो किस्म के लोग हैं इसमें मोटे मोटे तौर पे, एक दो और भी एक्स्ट्रा हैं, दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में नया बिज़नेस शुरू किया, तो उन्हें पता है कि नया बिज़नेस करने में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, उस रास्ते पे जाने में कौन कौन सी अड़चनें आती हैं। और दूसरा ऐसे लोग हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि नए बिज़नेसेस को फाइनेंस करते हैं, तो उनको पता है, वो रोज़ नए नए बिज़नेसेस के प्रपोज़ल से डील करते हैं, उनको पता है कि नया बिज़नेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस काउंसिल के पेट्रन होंगे सत्येंद्र जैन जी, जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इसके चेयरमैन होंगे श्री संजीव भीकचंदानी जी, जो कि Naukri.com के फाउंडर हैं। और इनके मेंबर्स हैं श्री विजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम के फाउंडर हैं, श्री शरद शर्मा, श्री आशीष गुप्ता, श्री महेश मूर्ति, श्री विकास कुतियाला, श्री सुभाष खंडेलवाल एंड श्री ब्रजेश गोयल। और कोशिश की ये कमेटी और भी नए मेंबर्स अगर लेना चाहे तो ले सकती है, और कमेटी कोशिश करेगी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की 3 महीने में। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ आज भीकचंदानी साहब भी हैं, विकास जी भी हैं और आशीष गुप्ता जी भी हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि इन मेंबर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में भीकचंदानी साहब बताएं। भीकचंदानी मेरा नाम है। देखिए, शुरू में तो 8 लोग हैं हम, और कमेटी हमने इस तरह बनाई है कि मैक्सिमम दिल्ली के लोग हों जो दिल्ली की समस्याएं जाने। और जैसे कि विकास शुरू से दिल्ली में रहे हैं, स्कूलिंग कॉलेज इन दिल्ली, आशीष गुप्ता भी दिल्ली में रहे हैं, स्कूलिंग इन दिल्ली, IIT दिल्ली गए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस NCR में चालू किया है, मैं भी दिल्ली का ही हूँ। तो दिल्ली के लोग, दिल्ली के एंटरप्रेन्योर, वो दिल्ली की प्रॉब्लम समझते हैं, जो समस्याएं उन्होंने फेस की थी वो समझते हैं, वो और एंटरप्रेन्योर को जानते हैं, जो समस्या वो का सामना वो कर रहे हैं उनको पता है, उनसे बात कर सकते हैं। तो विकास जी मेरे सीनियर हैं एंड मैं उनको 30 साल से जानता हूँ, एंड ही grew up in Delhi, went to Springdale School, Hansraj College, FMS MBA किया है, then worked 30 years in industry, then became an entrepreneur. पिछले कुछ सालों से वो healthcare entrepreneurship कर रहे हैं in healthcare space, in emergency relief space, and now he has become a full-time angel investor. He invests in companies, young startups. So startups से बहुत contact है उनका। आशीष गुप्ता जी, उन्होंने E-Value Surf की स्थापना की, बहुत बड़ी company है। He was chief operating officer and co-founder. कार्नेगी मेलन से MBA किया है, IIT दिल्ली में पढ़े हैं, मैकिन्सी में काम किया है,
सो दीज आर ऑल ग्रेट एसेट्स टू द कमिटी. वीरशेखर शर्मा, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिना अपना आपको आप 15 साल हो गए, 16 साल हो गए पेटीएम, बहुत ही इट्स अ कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड रैपिडली. वी स्टार्टेड ऑफ विद अ कन्वर्सेशन दैट लुक वी लुक एट फोर कंपनीज दैट स्टार्टेड इन दिल्ली बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डिड नॉट कंटिन्यू इन दिल्ली. Naukri.com जो इसका फाउंडर मैं हूं, पेटीएम जिसके फाउंडर वीरशेखर शर्मा है, स्नैपडील जिसके फाउंडर कुणाल बहल है, और मेक माय ट्रिप जिसके फाउंडर दीप वर्मा है, सब दिल्ली वाले हैं. चारों कंपनियां दिल्ली में चल रही थी लेकिन दो बाद में गुड़गांव चली गई और दो नोएडा चली गई. तो दिल्ली में क्या कमियां थी जिससे हम हमको बाहर जाना पड़ा. हालांकि दिल्ली NCR भी पास में ही है, वहां से बात चालू हुई एंड दैट इज वेयर इट वाज फेल्ट दैट मे बी अ कमिटी ऑफ दिस सॉर्ट टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम by talking to the government and telling the government and giving feedback that these are the things that need to be fixed to improve the ease of doing business in Delhi. And therefore, our approach will be, first of all, inclusive. I think this is about inclusive entrepreneurship. It is not just about tech, startups, IIT, IIM entrepreneurs. Those are very important, very good, there will be those. It is not just about software, it is not just about mobile apps, those are very important and will be there. About SMEs, old economy businesses, traditional businesses, brick and mortar businesses, and most importantly, about bottom of the pyramid entrepreneurship. Jo micro entrepreneurship, small shops, ready wala hai, ready wala hai, momo seller hai, what are the problems they face? Because until entrepreneurship is atomistic in everywhere, Delhi will not flourish. It cannot just be top down. And this was the mandate of the government, the Chief Minister gave us when he briefed us, that it has to be inclusive entrepreneurship. It has to be all types of companies, SMEs, big companies, small companies, traditional businesses, micro entrepreneurship, bottom of the pyramid entrepreneurship. And of course, jo akhbar mein aate hain, startups and software companies and tech companies and mobile companies and venture capital funded companies, all of that. So I'll stop here. I think Vikas, you want to add a couple of things? थैंक यू. तो मैं जैसे एक संजीव जी ने कहा, CM ने भी कहा कि इट इज़ अबाउट फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप. मैं एक उदाहरण देता हूँ. अगर आप दिल्ली में देखें तो अभी भी कोई 24/7 एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, इतने बड़े शहर में नहीं है. लेकिन अगर आप काउंट करें कि दिल्ली में हॉस्पिटल्स के साथ अटैच्ड, कोई चैरिटी के साथ, NGO के साथ, अगर वो सब एम्बुलेंस को मिला दिया जाए तो शायद हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है. अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद के साथ कि किस तरह का उसमें इक्विपमेंट होना चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी से उन सबको एक फ्लीट के तौर पे कंबाइन कर दिया जाए, किस तरह से स्टाफ की ट्रेनिंग करके उनको सर्टिफाई किया जाए, तो मेरे हिसाब से विदाउट टू मच ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी जो मॉम एंड पॉप एम्बुलेंस कंपनीज हैं, NGOs की हैं, उनको अगर एक दायरे में ला दिया जाए तो वी कैन हैव एन एम्बुलेंस सर्विस इन नो टाइम विदाउट हैविंग टू बर्डन द एक्सचेकर कि नई गाड़ियां खरीदें, इक्विप करें, टेंडर बनाएं, लोगों को घुसाएं. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. मैं एक और देता हूँ एग्जाम्पल. आपने सबने देखा होगा कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप में हाइपर लोकल ऑन डिमांड के बहुत बिजनेसेस हैं कि आप एक ऐप के सहारे से आप प्लम्बर को बुला लीजिए, इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं, उनको पता नहीं कि आएगा, उसकी क्या स्किल्स होंगी, क्या उसमें. तो अगर इन लोगों को थोड़ा स्किलिंग दी जाए, इन लोगों को थोड़ा कैपिटल दिया जाए, तो हाइपर लोकल माने एक कम्युनिटी के अंदर ही अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें तो यू डोंट हैव टू वेट कि कोई बड़ी कंपनी आए, बड़ा सा ऐप बनाए और 2000 प्लम्बर की एक डायरेक्टरी बना के सर्विसेज दें. छोटे छोटे कम्युनिटीज़ के अंदर जो लोग हैं, उन्हीं की क्षमता, उनकी कैपेसिटी, उनको फंडिंग दे करके वी कैन सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स. ऐसे कई उदाहरण हैं.
तो दिल्ली सरकार के पास एसेट्स हैं, कैपेसिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए तो उन सबको कंबाइन करके लो कॉस्ट तरीके से हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं ट्रेनिंग में। अब कितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास CSR बजट्स हैं, वो चाहती हैं कि किसी ऐसी जगह लगाएं जिससे ट्रेनिंग हो, कैपेसिटी बिल्ड हो। एक हाथ में उनके पास CSR फंड्स हैं, दूसरे हाथ में उनको लोग नहीं मिल रहे जो ट्रेन करके उनको एम्प्लॉय कर सकें। सो इस कमेटी की एक ये भी चेष्टा रहेगी कि आइडेंटिफाई करें कि इंडस्ट्री में क्या गैप्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैन बी क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ताकि उसको हम खुद ही सर्विस करें। बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाती हैं, ये जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है। तो उनको कैसे लुब्रिकेट किया जाए, उनको कैसे और बढ़ाया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, उस पर हमारा ध्यान खास कर रहेगा। थैंक यू। आशीष, यू वांट टू ऐड समथिंग? कोई क्वेश्चंस? ना, उन्होंने साफ साफ बोला हमारा दिल्ली में कोई दुकान खोलनी है आपको, नहीं तो दुकान खोलना आसान हो, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी इस वो करेंगे इसका। आपने इसमें देखा है, इसमें दो तीन लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आईटी से रिलेटेड नहीं हैं। एक हैं सुभाष खंडेलवाल जी जो कि फ्लोर एंड फर्निशिंग का बिज़नेस करते हैं, एक है जो ऑटो मार्केट में उनकी दुकान है। सो इसमें हर किस्म के लोगों को रखा गया है, केवल आईटी वाले नहीं है। एक बार शुरू करते हैं, अगर 3 महीने बाद क्या इसका नतीजा निकल के आता है उसके बाद अगला स्टेप डिसाइड करेंगे। इसमें इसमें सर जॉब देने की व्यवस्था होगी या उनको बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा? सब कुछ ये लोग रिकमेंड करेंगे। जहाँ जैसे अभी उन्होंने विकास जी ने बताया, मान लीजिए स्किल दे के जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं, तो स्किलिंग को भी इसके अंदर ये लोग सुझाव दे सकते हैं कि इस किस्म का स्किलिंग फैसिलिटी शुरू की जाए। बिल्कुल लेंगे जी, दिल्ली उसमें से जितनी मदद मिलेंगे जरूर लेंगे, सब मिलके करेंगे। हैं ये कोशिश छोटे बिजनेस के लिए ही की जाएगी कि जितने ज़्यादा छोटे बिजनेस बढ़ेंगे आपका एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। हर आदमी जॉब सीकर की बजाय अगर जॉब प्रोवाइडर बनता जाएगा तो और ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने कहा, मान लो कोई दुकान लगाना चाहता है, छोटी सी दुकान लगाना, उन्होंने कहा मोमो की वो करना चाहता है, वो उसको आज करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं वो सारे ये लोग सुझाव देंगे और उसको एनकरेज कैसे किया जा सके। सो इट्स एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ होल, नॉट जस्ट आईटी बेस्ड। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें कंसल्टेशंस जितने भी बिजनेसेस हैं, एसोसिएशंस हैं, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, रेडी पटरी वाले हैं, आईटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, सबके साथ हम कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद सबकी बात सुनकर और सबको आइडेंटिफाई करेंगे किसको क्या दिक्कतें आ रही हैं और किसको क्या मदद चाहिए। सर, इसमें रेडी पटरी वालों को कैसे जोड़ा जाएगा? उनकी समस्याएं समझी जाएंगी। रेडी पटरी वालों के देखिए दो तीन चीज़ें, एक तो अभी उनको ऑर्गेनाइज करने की वेंडिंग कमिटीज़ वगैरह बन रही हैं, वेंडिंग कमिटीज़ के जरिए उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद कितनी और कैपेसिटी बचती है वो एक असेसमेंट की जाएगी। उनके आज तो उनका एग्जिस्टेंस ही इलीगल है, मतलब जहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं वो वहाँ क्यों हैं वही इलीगल है, तो उसको पहले तो लीगल करने की ज़रूरत है, वो लीगल दायरे के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। सर, सवाल ये है कि आपने कहा कि कई सारी मुश्किलें हैं और कई सारी मल्टीप्लिसिटी है, कई विंडो पर जाना पड़ता है बिजनेस को ओपन करने। कुछ दिन पहले आपने भी कहा था कि एक आपने स्टेटहुड का भी बिल प्रपोज किया हुआ है जिसका ड्राफ्ट तैयार है। क्या आप देखते हैं सबको मिला करके कि जो दिल्ली का नेचर है आप मल्टीप्लिसिटी उसको कहीं ना कहीं कम करना होगा और उसके लिए जो आपका ड्राफ्ट बिल है वो कैसे हेल्प करेगा बिजनेस को भी लेकर के और बाकी चीजों का? वो अगर पास हो गया तो सब में ही मदद करेगा, वो तो वो कोशिश करेंगे केंद्र सरकार से पास कराने की। इसको पहले दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा उस प्रपोजल को पास करेगी तो आने वाले विधानसभा सत्र में उसको रखेंगे और फिर उसको हम सेंटर में भेजेंगे, बिकॉज उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, हम तो प्रपोजल भेज सकते हैं उसको। छोटे व्यापारी आप तक कैसे पहुँचेंगे? छोटे व्यापारी तो रोज़ पहुँचते हैं मेरे तक,
इस कमेटी जो है, अब कमेटी जैसे इन्होंने कहा प्रचार करेगी खूब इसका, अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अलग अलग ट्रेड एसोसिएशंस के ज़रिए उनको बुलाएगी, उनके साथ बातचीत करेगी, बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होंगे और उसके बाद कुछ निकाला जाएगा। जो लोग इस कमेटी में रखे गए हैं, क्या उनको सरकार कोई आर्थिक? नहीं, कुछ नहीं है, ये हमें आर्थिक कर दें इतने बड़े बड़े। कमेटी का नेचर क्या है? एडवाइजरी रिकमेंडेशन देगी। ना एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट किया, ये कैसे पता चलेगा कितना एम्प्लॉयमेंट आपने इस इनिशिएटिव को जनरेट किया? पहली चीज तो ये कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो तो हैं, हमारा मकसद है नए लोग अपना बिजनेस दिल्ली में शुरू कर सकें। डिमांड है कई चीज़ों की लेकिन बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहे। जैसे अभी विकास जी ने दो उदाहरण दिए कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है, कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं, अगर एम्बुलेंसेस को एग्रीगेट कर दिया जाए तो भाई ये छोटा सा आइडिया है। हम कुछ नहीं कर रहे, वो तो ये बता रहे हैं कि अगर सरकार की कई सारी पॉलिसीज नया काम शुरू करने में बाधाएं क्रिएट करती हैं, लोगों के पास आइडियाज़ हैं, लोग वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन सरकारी महकमे, सरकारी रूल्स उनमें बाधाएँ क्रिएट करते हैं, तो नया बिजनेस लार्ज स्केल पर एनकरेज करना, उन बाधाओं को दूर करना, लोग बड़े आसानी से नया बिजनेस शुरू कर सकें, किसी के पास कोई भी आइडिया है उस आइडिया के तहत उसको शुरू कर सकें, ये मेन मकसद है। हैं जी, डिग्री पे आप चलाओगे क्या? जो जो चलाएगा वो बता दें। चलाने की हिम्मत करोगे क्या? वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तीन चार चीज़ों पे काम चल रहा है। एक तो बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई, सीवर, ड्रेनेज, ये 7 चीज़ों के ऊपर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट युद्ध स्तर पे काम कर रहा है 29 इंडस्ट्रियल एरियाज में। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने एफिडेविट में कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं, इशू वो नहीं है। इशू दो उठ के आ रहे हैं यहाँ पे कि एक तो जब निकल के आ रहा है कि उन्होंने बीए भी नहीं की है और उन्होंने एमए भी नहीं की है, दोनों ही डिग्रियाँ फर्जी हैं उनकी, तो एक तो उन्होंने झूठ बोला पूरे देश के सामने, उन्होंने एफिडेविट के ऊपर झूठ बोला, और तीसरा जो डिग्रीज निकल के आ रही हैं वो फोर्ज्ड हैं, वो फर्जी हैं, ये धोखाधड़ी का मामला है। तो अगर प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगे, 420 का आरोप लगे, तो ये बहुत ही संगीन मामला है। इशू ये है, इशू ये नहीं है कोई, कुछ लोग कह रहे हैं जी आप क्यों मुद्दा उठा रहे हो, छोटा मुद्दा है, बात वो कितने पढ़े लिखे हैं इसकी नहीं है। अगर वो 10वीं भी पास होते, 12वीं पास हैं वो, तो 12वीं पास हैं अगर वो, हमें मंजूर हैं 12वीं पास प्रधानमंत्री, हमें मंजूर है, लोगों ने उनको जम के वोट दिया, लोगों ने उनको, उनके ऊपर यकीन किया, विश्वास किया, लोगों के उस विश्वास की, उस मैंडेट की हम कद्र करते हैं। लेकिन जो पूरा धोखाधड़ी का और झूठ का मामला, 420 का मामला सामने आ रहा है, वो बड़ा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अपने स्तर पे सारी छानबीन करा ली, अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग थे, कई सारे कागज़ों की कॉपी आज हमारे पास है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, परसों से मैंने बोलना चालू किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चालू किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना तो उनका एनरोलमेंट फॉर्म है, ना एनरोलमेंट रजिस्टर में उनका नाम है, ना उनको डिग्री मिली है, ना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में उनका नाम है, कहीं भी उनका नाम नहीं है। सारी छानबीन के बाद एक नरेंद्र मोदी मिले हैं
जिन्होंने 1975 में एडमिशन लिया था, वो अलवर के नरेंद्र मोदी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1958 है, जबकि हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी का डेट ऑफ बर्थ 1950 है। सो वो बिल्कुल अलग है नरेंद्र मोदी जी। आप आज मुझे पता चला कुछ मीडिया वाले उनको ढूंढ भी लाए हैं, उनकी बाइट वाइट चला रहे हैं उनकी, जो वो अलवर वाले नरेंद्र मोदी हैं वो भी मिल गए हैं और वो कह रहे हैं हाँ मैंने डिग्री ली थी वहाँ से। सो ये मामला उसका बनता है जो कि बहुत गंभीर मामला है, और मैं मीडिया के साथियों से निवेदन करना चाहूँगा थोड़ी हिम्मत दिखाइए और इसको। कांग्रेस इस पर क्यों नहीं बोल रही है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस भी नहीं बोल रही वो मतलब यही वही मतलब बीजेपी वाले सोनिया जी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, केवल गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस वाले उनकी डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ धरना कर रही है, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ धरना कर रही है। देश बेवकूफ़ है क्या, सारी जनता बेवकूफ़ है क्या? तो दोनों में सेटिंग है सर, दोनों में बड़ी अच्छी वो हाँ हाँ वो शीला दीक्षित जी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले उनका जवाब दे दे सर, वो बहुत जरूरी है। पहले सोनिया और राहुल एक मिनट उधर का जवाब उनका जवाब दे देते हैं सर। देखिए सर, 49 दिन की जो सरकार थी हमारी, उसमें शीला सरकार के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज करने की हिम्मत हमने दिखाई थी। एंटी करप्शन ब्रांच में 3 मुकदमे दर्ज किए थे। मुकेश अंबानी जी के खिलाफ बाय नेम FIR दर्ज करने की हिम्मत हमने दिखाई थी 49 दिन के अंदर ही। जो काम ये लोग 20-20 साल से नहीं कर पाए, वो 2 साल हो गए बगस्ता वाले मामले में, इन्होंने कुछ नहीं किया बीजेपी वालों ने, हमने 49 दिन में 3 मामले दर्ज कर दिए। हमारी सरकार उसके बाद रिजाइन हो गया, चली गई। 1 साल तक बीजेपी की सरकार रही दिल्ली में, इन्होंने वो फाइलें उठा के कबर्ड में लगा के ताला लगा दिया उसको, मुकेश अंबानी जी की फाइल को भी और शीला दीक्षित जी की, कुछ नहीं किया उसके ऊपर। हमारी जब दोबारा सरकार आई तो फाइलें निकलवाई, फाइलें खोल के देखी, उसमें कुछ नहीं था। तीनों शीला दीक्षित जी की फाइलें और मुकेश अंबानी जी की फाइलें, चारों फाइलें उठा के उस टाइम जो मोदी जी की सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने उठा के उसको अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। फिर हमने आके ताला खोला वो, हमारी सरकार ने, जब हमारी दोबारा सरकार आई, और उसके ऊपर फिर हमने नोटिसेस जारी करने चालू किए। रिलायंस के CEO कोई हैं या कोई इसी तक, बहुत सीनियर ऑफिसर्स को समन चालू किया। जो शीला सरकार के 3 मामले थे, कॉमनवेल्थ का था, जल बोर्ड के थे, उनके ऊपर समन करने चालू किए। और 8 जून को उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स करके भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे फिर से कब्जा कर लिया। अब 8 जून के बाद से आज तक फिर उन्होंने वो सारी फाइलें उठा के तो वो उसमें रख दी उसे और ताला लगा दिया उस पर, एक भी संबंध तक नहीं हो रहा उस पर, कोई इंटरोगेशन नहीं। तो मोदी जी केवल सोनिया गांधी जी की मदद नहीं कर रहे, वो शीला जी की भी मदद कर रहे हैं। तो ये प्रश्न अगली बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो बीजेपी से पूछेगा कि शीला जी का क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 साल के लिए आप हमें ACB दे दो, हम बताते हैं अगस्ता फिन इसकी कैसे वो होती है, जाँच होती है, और इनकी दूसरी डिग्रियों की कैसे जांच होती है, हम जांच करके दिखाएंगे और बताएंगे देश को कि जांच कैसे होती है। अभी तो ये अमित शाह जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हमें सोनिया जी प्लीज़ बताइए किस किस ने रिश्वत ली थी, हमें सोनिया जी प्लीज़ बताइए, कबूल कर लीजिए सोनिया जी, प्लीज़ आप कबूल कर लीजिए। ये जाँच होती है, ऐसे जाँच होती है, बंद कर दो CBI, बंद कर दो इन्फोसिस। सोनिया जी को कबूल करना पड़ेगा, वो मनोहर पानीकर खड़े होकर सोनिया जी प्लीज़ बताइए, कांग्रेस वाले प्लीज़ बताइए, ऐसे जांच होती है। हम करके दिखाते हैं सरकार कैसे चलती है, हम बताते हैं इनको 1 साल के लिए दे दो ACB, फिर बताते हैं कि जांच कैसे होती है भ्रष्टाचार की। थैंक यू।